महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी इस पर माथापच्ची अभी भी लगातार बरकरार है। इसी बीच ठाणे के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव थे उसमें शिवसेना के कैंडिडेट नरेश मस्के तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये अनअपोज चुने जाते हैं। एनसीपी के जितेंद्र आवाड भी यहां पर आते हैं और सभी जो दूसरे कांग्रेस के लीडर्स हैं वो भी आते हैं। उद्धव ठाकरे भी यहां पर आते हैं उनको बधाई देने के लिए। फिलहाल आप यहां पर देख सकते हैं शिवसेना एक तौर पे ठाणे में यहां पर शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए कि किस तरीके से उनका जो मेयर कैंडिडेट था वो अनअपोज चुना गया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अनअपोज चुना जाता है ठाणे में आपका मेयर और सभी पार्टी के जो लोग हैं एनसीपी कांग्रेस वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, क्या संकेत है इसके? मैं मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज अनअपोज हुआ है, निर्विरोध हुआ है, इसका स्वागत करता हूँ और मैं सभी दलों के नेता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सहयोग किया। जितेंद्र आवाड़ जी और उनके सभी सहयोगी उनका भी धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर खास करके ये महापौर और उप महापौर को आशीर्वाद देने के लिए, बधाई देने के लिए उद्धव ठाकरे साहब और आदित्य ठाकरे साहब आए, उनका भी तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आगे हमारा जो शहर विकास के हित में हम काम करेंगे, सभी दलों को साथ में लेकर, विश्वास में लेकर आगे की कार्रवाई होगी, शहर का विकास यही हमारा प्रमुख एजेंडा है। सर, कितने दिनों में हम अब तय करें कि अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है कि जल्द से जल्द सरकार बन जाएगी, इसके बारे में तीनों दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रमुख है, वो काम कर रहे हैं और जैसे ही वो निर्णय लेंगे उसका अमल हम लोग करेंगे। वो और ये सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर सरकार, जो स्थिर सरकार है, स्टेबल गवर्नमेंट है, ये स्थापित होने चाहिए और इसकी कार्यवाही शुरू है। काफी पॉजिटिव चल रही है बात? हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव चल रही है और पूरी तरह ये निर्णय है जल्द से जल्द होगा, यही लोग चाहते हैं। और शिवसेना की ओर से, शिवसेना की जो भूमिका है, शिवसेना का जो निर्णय है, अंतिम निर्णय उद्धव ठाकरे साहब लेंगे। शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे अगले मुख्यमंत्री हो गए महाराष्ट्र के, बिल्कुल हमें खुशी होगी। हमारे प्रमुख है, उनके शिवसेना की वजह से हम लोग विधायक बनते हैं और अगर वो इस राज्य का नेतृत्व उद्धव ठाकरे साहब करते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, जो निर्णय उद्धव ठाकरे साहब लेंगे उसका पालन हम लोग करेंगे। आखिरी सवाल, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कल एक इम्पोर्टेंट ऐलान हो सकता है तीनों पार्टियों के बीच में? देखिए, वो जो मीटिंग के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन शिवसेना के विधायक जो है उनकी मीटिंग उद्धव ठाकरे साहब ने बुलाई है और उसमें उद्धव ठाकरे साहब जैसे मार्गदर्शन करते हैं वैसा मार्गदर्शन। ठाणे के नए मेयर अनअपोज चुने गए हैं, सबका सपोर्ट आपको मिला है, क्या कहेंगे? सबका सपोर्ट मिला है, जो शिवसेना के ऊपर जो सबने भरोसा रखा है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ सबको। एनसीपी से भी सपोर्ट मिला है, सभी पार्टियों से सपोर्ट मिला है, जितेंद्र आवाड भी आपके पास आए हैं, एकनाथ शिंदे भी बोले सभी पार्टी का जो सपोर्ट मिला है बहुत अच्छा है। आगे की राजनीति देखो क्या होगी महाराष्ट्र में, तो आपको पहुंच का मुख्यमंत्री होगा कौन रहेगा शिवसेना से मुख्यमंत्री? जो उद्धव साहब जो डिक्लेयर करेगा वो हमारा शिवसैनिक रहेगा। शिवसेना का उद्धव ठाकरे का नाम सबसे ज्यादा, उद्धव साहब जो बोलेंगे वो पॉजिटिव है, सभी पार्टी साथ में है, उद्धव साहब बोलेंगे वो मुख्यमंत्री है। तो उद्धव ठाकरे का जो नेतृत्व है, जो डिसीजन है, वही फाइनलाइज है। यहाँ पे वो अनअपोज सुन के आए हैं और सभी बाकी की जो पार्टियां हैं उनसे मिलकर ये यहाँ पर ठाणे में अनअपोज चुने गए हैं और इसी का सेलिब्रेशन यहाँ पे चल रहा है। कैमरा पर्सन किरण सकपाल के साथ सौरभ अख्तानिया, ठाणे आज तक।